श्री सदगुरु महाराज की जय प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमंस महाराज का प्रवचन भजन करते हुए आप अपना जीवन बिताएं बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासुवचन रविकरण कर प्यारे साधक गण आप सब लोगों से मैं वही बात जो आप पहले सुन चुके हैं कहने आया हूँ बहुत थोड़े से वचनों में कहता हूं आप लोग एक महीने से घर का, का काम छोड़कर यहाँ है इस संपूर्ण महीने में यहाँ ईश्वर संबंधी बातें हुई हुई है ईश्वर भजन कराने के लिए यहाँ बहुत आग्रह था भजन करने के लिए समय निश्चित कर दिया गया था और समय समय पर भजन करने के लिए अवसर दिया गया था जिसमें प्रतिदिन पांच घंटे ध्यान करने के लिए थे और तीन घंटे तक सत्संग वचन होता था यानी पांच बार ध्यानाभ्यास और तीन बार सत्संग होता था ध्यान का सत्संग वचन से बहुत सरोकार है इसलिए प्रतिदिन सत्संग वचन भी थोड़ा होता है आप ईश्वर संबंध का ज्ञान नहीं भूलें इस सत्संग में यह कहा गया ईश्वर एक है वह परम पुरातन और परम सनातन है वह सबसे प्रथम का है और माइक विस्तृत विहीन है माइक विस्तृत में ऊंचाई गहराई लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है यह माया के विस्तार का ज्ञान है ईश्वर ज्ञान में यह विस्तार नहीं है इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी माइक विस्तृत भीन है वह इतना सूक्ष्म है कि उसकी सूक्ष्मता की बराबरी में यहां के किसी पदार्थ की मिसाल दी जाए सो नहीं इसलिए निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे गोस्वामी तुलसीदास के ज्ञान में ऐसा है और कबीर साहब के ज्ञान में जस कथिये तस होत नहीं जस है तैसा सोई कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारत होई इसलिए कहा सुना जाता है लेकिन वह कहने सुनने से बाहर है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नित निगम कह रामचरित मानस सबसे पूर्व का यही है इससे पूर्व का कुछ नहीं हो सकता इसकी बराबरी में कुछ नहीं हो सकता अपने देश में जो वैदिक निज धर्म है सो वा ईसाई वा इस्लाम का जो धर्म है उसमें भी ऐसा ही है वे भी आस्तिक धर्म है संतों को पता लगा कि जब तक ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तब तक परम कल्याण नहीं होगा ईश्वर कैसे मिलेंगे भजन करो भजन कैसे करो जिससे उसकी ओर जाना हो जाएगा कौन शरीर नहीं जाएगा चेतन आत्मा जाएगी मन के सहित पहले चेतन आत्मा जहां तक जा सकती है जाएगी मन के जाने की सीमा जहां समाप्त हो जाती है उसके आगे चेतन आत्मा अकेले जाती है हाथरस के तुलसी साहब ने कहा है सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो प्राण पुरुष चेतन आत्मा को कहते हैं वही आवरणों को पार कर ईश्वर को पाकर सारे दुखों से मुक्त हो जाती है इस गति तक पहुंचने का अवलंब स्वयं ईश्वर देता है उसका प्रकाश और उसका शब्द अवलंब है उसके प्रकाश को पाने के लिए कैसी दृष्टि बनाओ संतों ने कहा सूक्ष्म दृष्टि बनाओ आंख पुतली डीम को दृष्टि नहीं कहते हैं देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं यह तो पतली है ही फिर ऐसा सूक्ष्म करो कि एक बिंदुता प्राप्त हो जाए तब प्रकाश अवश्य मिलेगा जैसे उषा काल में सूर्य का ही प्रकाश है फिर भी सूर्य का दर्शन नहीं होता पीछे होता है उसी तरह अंतर ज्योति का दर्शन करने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता इससे ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए उत्साह मिलता है साहस होता है फिर और प्रकाश मिलता है तब ईश्वर की ओर बढ़ने को और अधिक उत्साह मिलता है यह प्रकाश अंत तक नहीं पहुंचा सकता इसलिए नादानुसंधान करने के लिए संतों ने कहा है इसको साधु संत लोग नाम भजन व सूरज शब्द भी कहने लगे गुरु जो मंत्र देते हैं वह भी नाम भजन है और अंतरनाद का भजन भी नाम भजन है इस तरह नाम भजन करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचते हुए ईश्वर तक पहुँचा जाता है क्योंकि आदि में ईश्वर आदि में शब्द ईश्वर से उत्पन्न होता है वेद में इसको विश्वजन्य कहा है वेद में जब है ही तब उपनिषद में क्यों नहीं होगा और वाणी तो इसी की किताब है संतवाणी से इसको निकाल दिया जाए तो संतवाणी का सार ही निकल जाए इसके लिए कोई खास प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं है जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है वह उधर को ही खींचता है लेकिन अफसोस है कि हम पहले से नहीं जानते हैं कि वेद में भी यह ज्ञान है ईश्वर की कृपा से स्वामी दयानंद जी का जन्म भारत में हुआ और उन्होंने सबको वेद पढ़ाया जो पढ़ने गए उन्होंने किसी को नहीं कहा कि तुम वेद पाठ के योग्य नहीं हो संतों ने जो कुछ कहा है वेदानुकूल ही कहा नादानुसंधान करना दृष्टि साधन करना वर्णात्मक शब्द का जप करना और स्थूल ध्यान करना ये विधियां हैं ईश्वर भजन की इसका अभ्यास नित्य करो इसका संस्कार पड़ेगा यह ऐसा संस्कार है कि लाभ ही लाभ है लाभ ही है कोई हानि नहीं इस जन्म में संस्कार पड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा संत और भगवंत के वचन से ऐसा जानने में आता है कि जब से यह संस्कार पकड़ेगा बराबर खींचता जाएगा और अंत तक पहुंचावेगा यहाँ ही नहीं देश विदेश जहाँ कहीं भी यह ज्ञान गया है वहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं विदेश में भी ऐसे संस्कार के लोग हो गए हैं भजन करते हुए आप अपना जीवन बिताएं बिना भोजन किए आप रह नहीं सकते इसलिए जीवन यापन के लिए भी कर्म करें आप सबको यह आशीर्वाद करता हूं कि यह संस्कार नहीं छूटे आप उस संस्कार से पकड़े गए पहले आपने पकड़ा अब संस्कार ने आपको पकड़ लिया इसका साथ ही सदाचार है जिसका सदाचार प्रबल होता है उसका भजन संस्कार दृढ़ होता है जिसका भजन संस्कार प्रबल होता है उसका सदाचार मजबूत होता है दोनों का साथ है इस तरह है। आप बने ऐसे आपके साथ ही अधिक होंगे तो समाज का कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा संसार में युद्ध का बादल मडराता है वह नहीं मडरावेगा लोग भगवान राम के राज का बहुत गुण गाते हैं हालांकि लोग नहीं जानते हैं फिर भी देखा देखी गाते हैं राम के राज में सुख से सभी रहते थे एक दूसरे की सहायता करते थे कटु भाव नहीं रहता था प्रेम भाव रहता था खून खराबी मुकदमाबाजी का भाव नहीं रहता था लोग सदाचार पालन करते थे सदाचार पालन और ईश्वर भजन के लिए जीवन रखना है और अपने जीवन यापन के लिए उपार्जन करो किसी के पास बहुत धन है उसके अच्छे कर्म का फल है आप भी अच्छे कर्म करें आपको धन होगा आपके पड़ोसी अच्छे होंगे आपकी सहायता करेंगे जहाँ से झूठ चोरी नशा हिंसा और वे दूर हो जाए वहाँ कटुता नहीं रहती है यह सत्संग दुष्ट कर्मों से बचाकर देश में शांति फैलाता है सभी सुखी रहें सुखी रहें, सुखी रहें। आप लोगों ने बड़ा पुण्य काम किया है इसी को असल में ज्ञान यज्ञ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है श्रेयाद्रव्य यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य भागवत गीता यज्ञ में धन अधिक खर्च होता है ज्ञान यज्ञ में उतना नहीं लेकिन यही यज्ञ श्रेष्ठ है जहाँ यह यज्ञ हो उसमें सहायता करनी चाहिए वहाँ जाना चाहिए इस आयोजन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं एक आरती संत दादू दयाल जी की कहता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है आप लोग जो कह सकें पीछे पीछे कहें आरति जग जीवन तेरी तेरे चरण कंवल फेरी चित चावरी हेत हरि ढारे दीपक ज्ञान विचारे घंटा शब्द अनाहद बाजे गगना गाज धूप ध्यान हरि सेति की प्रीति हरि भ लीज सेवा सारयात्मा पूजा देव निरञ्जन और भाव भगति सो आरती की जय इही विधि दादो जुग जुग जी जय आरती जग जीवन तेरी तेरे चरण कमल पर फेरी श्री सदगुरु महाराज की जय यह प्रवचन बिहार अंतर्गत पुरैनिया जिला अब कटिहार जिला स्थित श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी में आयोजित मास ध्यान साधना के अवसर पर दिनांक तीस ग्यारह उन्नीस सौ सत्तर ईस्वी को अपराहन काल में हुआ था श्री सद्गुरु महाराज की जय